और यहाँ का नज़ारा आप दिखाता हूँ आप लोगों को, देख रहे हो ओफो, देख रहे हो। और ये है कैश काउंटर, सेल्फ सर्विस, खुद लो खुद जाओ, और लस्सी स्नैक बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं अभी। और यहाँ पर ये है नज़ारा दोस्तों, देख रहे हो, ये अंदर बैठने का है यहाँ पर, देख रहे हो, देखो हैप्पीनेस यूपी बाइस बेस्ट ढाबा। और यहाँ पर है स्कूटर जो कि फोटो शूट करने के लिए बहुत, ये बच्चों के लिए लगाया हुआ बहुत अच्छे से। अब इसको हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। की हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फाइनली दोस्तों हम एक और आगे नए ब्लॉग के साथ, और अभी हम इस समय रामपुर में यूपी वाइज बेस्ट ढाबा है, और ये आप लोग देख रहे हो, और हमारे दोस्त भाई वहाँ खड़े हो, और ये देख रहे हो दोस्तों यूपी वाइज बेस्ट ढाबा, और यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी वाइज एसी रूम अवेलेबल है, 24 घंटे ओपन रहता है दोस्तों। और इसकी ये 265 रुपये में थाली है दोस्तों यहाँ पर, और ये देख रहे हो भाई बंदा भी यहाँ पर है दोस्तों। क्या है थाली बहुत खुश है थाली के चक्कर में, आज पहली बार आया है यहाँ पर। हम और इमरान भाई तो आ चुके हैं बहुत बार, तो अभी चलते हैं अंदर से और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं दोस्तों आप लोगों को। कौन सा वाला सही कह रहा है, तो ये मेन गेट है, और अब चलते हैं अंदर के लिए और अंदर से नज़ारा दिखाते हैं दोस्तों यहाँ पर। और बहुत ही बढ़िया बेस्ट ढाबा है ये दोस्तों, और यहाँ का नज़ारा आप दिखाता हूँ आप लोगों को, देख रहे हो ओफो, देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, और यहाँ पर गमले वगैरह भी बहुत सारे रखे हुए हैं, और ये बच्चों के लिए है यहाँ पर। यहाँ पर देखो रेस्टोरेंट भी है, और ये बच्चों के लिए, कूदने के लिए बच्चों के लिए, और ये आप नज़ारा देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर दोस्तों। हम लोग खाना वगैरह तो यहाँ खा गए थे, खाना बढ़िया था। आज हमारा कुछ है ना कि मन आइसक्रीम वगैरह लेने का, जो कॉफ़ी वगैरह या आइसक्रीम वगैरह लेने का मन, दूध वाली देख रहे हो, आइसक्रीम दूध वाली पिएगा सही है ना। और यहाँ पर ये बैठने के लिए, और यहाँ पर बहुत सारी फैमिली वगैरह भी आते हैं। हाय, नहीं देखेगा, नहीं देख रहे हो बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, देखो ये देखो। तो अब चलते हैं दोस्तों आइसक्रीम का मज़ा लेने के लिए, आइसक्रीम खाएंगे बैठेंगे, खट्टी मीठी मिली नहीं खाएंगे, बादल स्पेशल चूर। और ये है कैश काउंटर, सेल्फ सर्विस, खुद लो खुद जाओ, और लस्सी स्नैक बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं अभी यहाँ पर। चाय भी है, स्पेशल तंदूरी चाय, हॉट कॉफ़ी है, बहुत सारी चीज़ें, बट हमको ना आइसक्रीम देखना है। यहाँ पर देख रहे हो कितने मेन्यू लगा हुआ है यहाँ पर, अगर आपको बिल नहीं मिलता है तो खाना आपका मुफ्त, ये क्या मैटर है भाई, बिल नहीं मिलेगा खाना मुफ्त मिलेगा। अच्छा तो ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पर बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर। उस्ताद नाम क्या अपना, रजा, कहाँ से हो, रामपुर से हो, चलो अच्छी बात है यार। क्या जी, नहीं 500 भी खुल है, अरे ये खा लूँ भाई अरे तो YouTube पे देखना ना, तो हाँ तुम्हें सब लोग देखेंगे। व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, नज़ारा अच्छा है एकदम मस्त। आइसक्रीम वहाँ पर पीनी तो यहाँ पर आए आइसक्रीम लेने के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हो ये है हॉट कॉफी, क्या नाम भाई, अतुल कुमार, हाँ बहुत बढ़िया दोस्त। देख रहे हो आइसक्रीम के फ्लेवर कितने हैं यहाँ पर, ये देखो हर एक फ्लेवर है, बढ़िया बढ़िया खाएंगे तो मजो आओ है नहीं ना, देखो देखो ना खाओ तो ना मजो आओ। और अपना ऑर्डर बन गया है, हक्का नूडल्स का ऑर्डर आ गया है, और अभी अनाउंसमेंट हुआ, ये देखो भाई लेने गया है, देख रहे हो दोस्तों ये हक्का नूडल्स आ गया है। अब चलते हैं यहाँ, देखो भाई आइसक्रीम भी ले आया है, देख रहे हो आप लोग आइसक्रीम भी आ गई है अपनी, और हक्का नूडल्स भी आ गया, और अब बैठते हैं हम यहाँ पर। कहीं ही नहीं पसंद है यार, और ये हमारा भाई आता हुआ सेल्फ सर्विस करता हुआ, देख रहे हो तीन प्लेट, और चम्मच नहीं लाया मैंने कहा, अच्छा चम्मच है तो ठीक है यार, कोई बात सर, नहीं और कुछ, कुछ नहीं सर, शुक्रिया साहब। देख रहे हो भाई लोगो, ये उतार रहा है हक्का नूडल्स, टेंटेड है ले भाई, लूट मार दो जल्दी से स्पेशल ये भाई इसके लिए करा गया कि ये बहुत ज्यादा पसंद है इसको, और नहीं भूखे की बात तो
अभी दोस्तों आइसक्रीम भी और हक्कन नूडल्स भी निपटा लिया, नहीं खा लिए, बड़ा मज़ा आया, पेट भर गया बहुत अच्छे से दोस्तों। और अलाउंसमेंट कर रहे हैं, जिसका अगर जैसे टोकन नंबर होता है ना तो उसको अलाउंसमेंट करते हैं, तो आप लोग आप जाकर अपना ऑर्डर ले सकते हो। देख रहे हो लाइट भी जला गए भाई पंखे के नीचे, और अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ओहो, और टाइम हो गया है 6:20, तो अब चलते हैं दोस्तों अंदर के लिए, और आप लोगों को अंदर से नज़ारा दिखाता हूँ मैं कि अंदर से कैसा है। कहाँ से चलेंगे, हैं क्या करेगा, स्कूटर पे। और ये है यहाँ का डेकोरेशन दोस्तों, देख रहे हो माशाल्लाह कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर दोस्तों। ये चीज़ है यहाँ पर, पीछे देख रहे हो आप लोग बैठने के लिए, और यहाँ पर ये है ये बच्चों के लिए सारे जो भी चीज़ खाने पीने का सामान आइटम बच्चों को। और अभी चलता हूँ मैं अंदर, और यहाँ पर ये है नज़ारा दोस्तों, देख रहे हो ये अंदर बैठने का है यहाँ पर। तो अभी ये देख लिया आप लोगों, यहाँ से अब मैं चलता हूँ बाहर के लिए फिलहाल। तो देखा आप लोगों ने अंदर का कितना बढ़िया नज़ारा था यार दोस्तों, आप लोगों ने देखा कितना मस्त था, एकदम बढ़िया सा पिनेज यूपी बाइज बेज ढाबा। और यहाँ पर है स्कूटर जो कि फ़ोटो शूट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ पर आप लोग देख लो फोटो शूट कर सकते हो बहुत अच्छे से दोस्तों। देख लो ये है स्कूटर, मेरे पापा के पास थी जब हमारे पापा को शादी में मिली थी, और स्कूटर मिली थी और बहुत ही बढ़िया थी वो, कुछ आकर अभी आकर उसको बेच दिया गया। और यहाँ पर दिखाया था ओपल, यानी कि डिस्को भी है, काइट जोन भी है, और यहाँ पर है ये ओपन एयर बार भी है, रेस्टोरेंट भी है, रूम्स भी हैं, और रेस्ट रूम यहाँ पर है जो कि आप लोग रेस्ट करके आराम से दूर से आते होते हैं, सफ़र करते होते हैं तो यहाँ पर आकर ले सकते हैं, आराम से रेस्ट कर सकते हैं, फिर ये मॉर्निंग में निकल जाएँ या जैसा भी अपना एस्टिमेट बनाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखो बहुत सारे पेड़ हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हो आप लोग यहाँ पर मस्त एकदम। बहुत अच्छे से हम लोगों ने फोटो शूट भी कर लिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर घूम लिए मस्त एकदम बढ़िया से। और ये बच्चों के लिए यहाँ पर बच्चे लोग आ सकते हैं बहुत अच्छे से। और ये देख रहे हो यहाँ पर ये बच्चा कैसे झूल रहा है, ये बच्चों के लिए लगाया हुआ बहुत अच्छे से। अब इसका पता नहीं प्राइस क्या होगा, प्राइस यहाँ पर अगर जो लोग आएंगे तो यहाँ पर ये भैया बैठते हैं यहाँ पर जो आप लोग पूछ के, और यहाँ पर बच्चों को खिला सकते हो बहुत अच्छे से। और शाम के बज चुके हैं 7:15, और अब बहुत देर से घूम लिए, चले भाई चलो, मज़ा आ गया बहुत अच्छे से घूम लिए। घर की तरफ चलते हैं हम लोग दोस्तों, है नहीं चले क्या करोगे यहाँ पर। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं यहाँ दोस्तों, और ये हाईवे चल रहा है देख रहे हो आप लोग यहाँ से, और ये नज़ारा यहाँ पर है। हम लोग आए हुए थे तो हम लोग यहाँ से घूमे, तो हमने कहा चलो यार आज ब्लॉग यहाँ का ही बनाते, बहुत सारे रेस्टोरेंट का बनाया, तो आज यूपी 22 भी आ गए दोस्तों। आप लोगों ने देखा यूपी 22 बेज ढाबा है, आप लोग ज़रूर आना, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा अच्छी अच्छी चीज़ है, बच्चों के लिए भी है, फैमिली के लिए रेस्टोरेंट भी है, कपल भी आ सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह सब चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से, तो आप लोग ज़रूर आना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, बाय बाय, लव यू ऑल।